हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले कि सीबीएसई के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं, आप सभी को पता ही है, क्लास 10th और 12th के, और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हैं। एनआईएस बच्चों के अभी भी एग्ज़ाम रह रहे हैं, तो उन पर भी जल्द वीडियो आएगा एक। तो आज फिर हम बात करने वाले हैं कि सीबीएसई की पॉलिसी कैसी होगी, अब क्या वो बच्चों को किस तरीके से मार्क्स देगा, जिनके सारे पेपर हो गए हैं, जिनके एक दो पेपर भी रह रहे हैं क्लास 10th और 12th के बच्चों के। और दूसरा बात है कि भैया कंपार्टमेंट, बहुत क्वेश्चन आया कि जी हमारी कंपार्टमेंट अब की बार लेगी या नहीं, डायरेक्ट फेल करा जाएगा, इस पर बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी हमारे साथ तो अन्याय हुआ है, ठीक है ना, हमारे सारे पेपर हो गए हैं और जिन बच्चों के एग्ज़ाम जो रह गए थे उनको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, तो सारी बात करेंगे। और कंप्लीट पेपर जिनके हो गए और कुछ रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो तीन चार पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरा नाम है ईशान, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो गए थे, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम रह गए थे, ठीक है। सीबीएसई की पहले मैं आपको मार्क्स पॉलिसी बता दूं क्या है। सीबीएसई कह रहा है कि जी हम मार्क्स देंगे किस तरीके से, अगर जिन बच्चों के चार एग्ज़ाम हो गए थे, तीन एक रह गया था या दो रह गया था, तो चार में से बैच थ्री देखे जाएंगे। अगर सभी में बहुत ज़्यादा नंबर हैं और एक में कम नंबर है तो बैच थ्री देखे जाएंगे। मतलब जैसे किसी में 60 आए, किसी में 70, 80, 90 है, तो 60 वाला छोड़ देंगे, 70, 80, 90 हाईएस्ट मार्क्स देखेंगे। जिनके तीन में तीन एग्ज़ाम हो गए, दो रह गए, ठीक है ना, तो वो किसी एक के एग्ज़ाम, मतलब किसी एक में हाईएस्ट मार्क्स देखेंगे कितने हैं, ठीक है ना। और अगर जिनके दो एग्ज़ाम हो गए हैं उनका बस एक में एक का क्या देखेंगे, और फिर उनके असेसमेंट के बेस पर, इंटरनल असेसमेंट हो गए या आपके प्री बोर्ड हो गए, इस तरीके से आपके मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जी वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, क्योंकि हमारे साथ सारे पेपर हो गए हैं। मेरे पास काफ़ी कमेंट है, कह रहे हैं कि जी हमारे सारे पेपर तो हो गए हैं और जिनके पेपर नहीं हुए तो उनको सीबीएसई ऐसी वो दे रहा नंबर। देखो मैं एक बात बताऊँ, कोरोना का किसी को नहीं पता था कि कोरोना बढ़ जाएगा। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो गए थे, वेल एंड गुड, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, वो बहुत टेंशन में थे, एग्ज़ाम कब होगा, सीबीएसई कभी भैया ड्रामे कर रहा है, कभी रिजल्ट कब आ रहा है, कभी रिजल्ट इस दिन आ रहा है, और कभी आपके एग्ज़ाम होंगे, कभी नहीं होंगे, तो उन बच्चों की टेंशन बहुत थी जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए थे। प्लस आपके एग्ज़ाम होंगे तो कॉपी चेकिंग अच्छी हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार्क्स तो आपको मिल रहे हैं ना अच्छे, है ना। और उन बच्चों को देखो, अगर सपोज करो उनके तीन एग्ज़ाम बेकार गए तो उनके आगे जो दो एग्ज़ाम होंगे, सपोज करो तीन एग्ज़ाम बेकार गए हैं और दो एग्ज़ाम रह गए थे, तो दो के तो उन तीन पर डिपेंड करेंगे, तीन या दो पर एग्ज़ाम, तो उनके तो वो भी मार्क्स खराब होने वाला है। तो ऐसा नहीं है सबके साथ अच्छा हुआ, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरह से मार्क्स देखे गए हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जिनके कंप्लीट पेपर हो गए हैं और कंपार्टमेंट वाले बच्चे, कंपार्टमेंट वाले मतलब कह रहे हैं कि भैया हम तो फेल हो सकते हैं, क्या कंपार्टमेंट आएगी इस बार, तो कंपार्टमेंट का आना मुश्किल है, क्योंकि कंपार्टमेंट में भी तो पेपर करने पड़ेंगे। अब की बार ये देखा जा रहा है कि सीबीएसई जो बिल्कुल नहीं कुछ करके आया, मॉडरेशन पॉलिसी की बात करेंगे थर्ड पॉइंट के आगे, ये देखा जा रहा है कि अब तक अगर कोई कुछ नहीं करके आया, मतलब वो कॉपी मतलब खाली छोड़ गया या 5-10 नंबर का करके आया, तो भैया वो तो डायरेक्ट फेल होना, कंपार्टमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, है ना, वो तो डायरेक्ट फेल है। और अब के सीबीएसई जो जिनके कम नंबर हैं, पास होने से बहुत ही कम नंबर है, उनको तो पास करेगा, और जिनके कंपार्टमेंट लायक नंबर हैं उनको सीधा फेल करेगा, क्योंकि कंपार्टमेंट बहुत ही कम बच्चों के आने वाले अब की बात, क्योंकि मार्क्स, क्योंकि जब आपका पेपर ही नहीं हो रहे हैं तो कंपार्टमेंट के पेपर भी थोड़ी होंगे, इतना तो दिमाग लगी है ना, तो बहुत ही कम कंपार्टमेंट आएगी लगभग सीबीएसई, अगर जो बच्चे कुछ नहीं करके आए, बिल्कुल लूलपंती करके आए एग्ज़ाम में, है ना, गए और सो कर आए, तो वो फेल होंगे भैया, वो तो फेल होने ही, जिनके 2-3 नंबर का करके आए, कॉपी खाली छोड़ के आए, उनकी बात चल रही है। अब बात करते हैं मॉडरेशन पॉलिसी, भैया लगनी चाहिए इस बार, मॉडरेशन पॉलिसी के लिए दवा बनाना पड़ेगा हमें। कुछ यूट्यूब पर चैनल है, मेरे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट करवा रहे हैं अपनी वीडियोज़ पर कि मॉडरेशन पॉलिसी, बहुत बढ़िया काम। मॉडरेशन पॉलिसी चाहते हो तो कमेंट करो वीडियो में। मॉडरेशन पॉलिसी का मतलब यह है कि जो बच्चे ग्रेस मार्किंग का लिए होता है, जिनको फेल होने से 5 नंबर रह गए हैं, ठीक है ना, मतलब फेल हो गए हैं, 5 नंबर से अगर मिल जाते तो पास हो जाते, वो उनके लिए मॉडरेशन पॉलिसी काम करते, तो मॉडरेशन पॉलिसी मिलनी चाहिए बच्चों को। कमेंट में करो मॉडरेशन पॉलिसी चाहिए, हमें मॉडरेशन पॉलिसी चाहिए, कमेंट करो। अब बात करते हैं रिजल्ट पे, रिजल्ट के 15 जुलाई एक्सपेक्टेड डेट है, 15 तक आपके रिजल्ट आ जाएगा, पहले भी आ सकता है रिज़ल्ट, अभी एक्सपेक्टेड डेट बताई सीबीएसई ने, मेरे हिसाब से लगभग 10 के और 15 के बीच में रिज़ल्ट की संभावना है। तो यार सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सीबीएसई कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन में नहीं आओ। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि भाई मैं फेल हो जाऊँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, हाथ जोड़ के विनती है मेरी आपसे, प्लीज़ ऐसा विचार मत लाइए, मार्क्स को लाइफ से कंपेयर मत करिए,
मार्क्स कम है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे लाइफ खत्म नहीं होती। लाइफ खत्म करने बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बहुत लाइफ आगे पड़ी है। मार्क्स कम आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, फेल होते हैं तो यार लाइफ को तो खत्म करना बहुत गलत बात है। फेल होते हैं तो दोबारा उठो, कोशिश करो, मेहनत करते रहो, सफलता मिलती है यार, ठीक है ना। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो ड्रॉप आउट हैं स्कूल से और वो आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं, बहुत लाखों करोड़ों पैसा कमा रहे हैं, बिजनेसमैन बड़े बड़े। तो ये बात थी मेरी तरफ से जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं, तो जैसे कमेंट आते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, और इस वीडियो में जैसे कमेंट आएंगे आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊंगा। तो यार आपका बहुत सपोर्ट मिला, प्यार मिला, सब्सक्राइबर हमारे बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, और यार कुछ सब्सक्राइबर करवा दो और, है ना, क्योंकि यही सपोर्ट है, इससे मुझे पता चला कि आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ मेहनत से, तो आप भी सपोर्ट करो, थोड़ा सब्सक्राइब करवाओ, वीडियो को लाइक करवाओ, शेयर जरूर करें करो वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और कह भी दे करो कि यार कर दो लाइक सर को, है ना। तो ये बातें मेरी तरफ से, और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर जरूर करते रहें, और चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।